हेलो फ्रेंड्स, आज है 16 नवंबर। 16 नवंबर के करंट अफेयर्स में काफी कुछ है खास। मूडी जैसी संस्था ने भारत की विकास दर को घटाया, वहीं एक महान गणितज्ञ का हो गया है निधन। इसके अलावे कई कुछ है खास करंट अफेयर्स में, देखते हैं हम लोग। अपने पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे प्रश्नों को एक बार सॉल्व करने के बाद रिवीजन और टेस्ट करें, ताकि वीडियो खत्म होते होते आपको सारे प्रश्न याद हो जाएं। किस सर्विस ने भारत की 2019 की विकास दर घटाकर 5.6% रखी है? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, वोडा इन्वेस्टर सर्विस, रिकॉर्ड इन्वेस्टर सर्विस या इन्वेस्टर्स सर्विस ने? तो आपको बता दें, मूडीज ने भारत की विकास दर को घटा दिया है और अभी इन्होंने भारत की विकास दर को बताया है 5.6। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ नारायण का 74 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में थे? गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, भौतिकविद थे या नेता थे? तो आपको बता दें, बिहार में जन्मे वशिष्ठ नारायण एक गणितज्ञ थे, जो जब पटना कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ एक अमेरिकी प्रोफेसर का उन पर नजर पड़ा। उन्होंने उनको नासा में ज्वाइन करने के लिए सलाह दी, अमेरिका आने का सलाह दिया, तो वो अमेरिका चले गए। उन्होंने नासा में ज्वाइन भी करा था। काफी समय तक अमेरिका में रहने के बाद वो वापस भारत आए थे, लेकिन मानसिक बीमारी से ग्रस्त होने की वजह से 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। वोडा आइडिया को 50,921 करोड़ रिकॉर्ड का घाटा हुआ जुलाई सितंबर में, एयरटेल को कितने करोड़ का घाटा हुआ? आपको बता दें, वोडा आइडिया और एयरटेल, इस बार मार्केट में ऐसी अफवाह भी हो सकती है, लेकिन ऐसी खबर है कि ये तीनों कंपनी हो सकती है बंद, क्योंकि जो घाटा हुआ है वो रिकॉर्ड स्तर का घाटा हुआ है। जहां वोडा आइडिया को लगभग 50,000 करोड़ का घाटा हुआ है, वहीं एयरटेल को भी बड़ा घाटा हुआ है। आपको बताना है एयरटेल को कितने करोड़ का घाटा हुआ है। ए 23,045, बी 23,005, सी 13,045 या डी 53,045। तो सही आंसर है ए 23,045 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है एयरटेल को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जयंती मनाई गई? 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं और यह जवाहरलाल नेहरू की 140वीं जयंती थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निषाद कुमार पैरा एथलीट ने किस चैंपियनशिप में ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतकर टोक्यो पैरालंपिक कोटा हासिल कर लिया है? इन्होंने किस चैंपियनशिप को जीता है? दुबई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, कजाकिस्तान विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप या अमेरिका विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप या भारत विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप? तो सही आंसर है, इन्होंने दुबई में आयोजित दुबई विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप को जीता है, उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है। छठा प्रश्न है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक अभ्यास चल रहा है, उस अभ्यास का क्या नाम है? डस्टलिक 2019, चिरचिक 2019 या फिर टेररिज्म 2019 या उज्बेकिस्तान 2019? तो आपको बता दें, एक सैन्य अभ्यास है दोनों देशों के बीच, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, और इसका नाम होता है डस्टलिक। तो अभी ये 2019 में हो रहा है, इसलिए डस्टलिक 2019 या एक संयुक्त क्षेत्र परीक्षण अभ्यास है, जो कि काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को केंद्र में रखकर किया जाता है। सातवां प्रश्न है, रविचंद्रन अश्विन स्पिनर घर में कितने विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं? 250, 240, 230 या 220? तो आपको बता दें, रविचंद्रन अश्विन घर में 250 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए। फेसबुक ने 6 माह में कितने फर्जी अकाउंट हटा दिए? आपको बता देने, फेसबुक ने बड़ी कार्रवाई करी है और इस 6 महीने में, पिछले 6 महीने में उन्होंने काफी अकाउंट्स को जो फर्जी थे उनको हटा दिया है।
तो कितने अकाउंट को हटाया है, 320 करोड़, 300 करोड़, 32 करोड़ या 30 करोड़। तो आपको बता दें 320 करोड़ अकाउंट फेसबुक के थ्रू हटाया गया है। फेसबुक के संस्थापक कौन है, मार्क जुकरबर्ग। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नवा है, 12वां ब्रिक्स योग सम्मेलन 2020 किस देश में होने वाला है, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका या भारत। तो जुलाई 2020 में इसका आयोजन रूस में होने वाला है। सही आंसर क्या है, बी, रूस। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या 16 नवंबर। तो झारखंड स्थापित हुआ था 15 नवंबर 2000 में, इसलिए इसकी स्थापना दिवस हम 15 नवंबर को मनाते हैं। इनके मुख्यमंत्री कौन है, अभी रघुवर दास। हाल ही में होने वाली है चुनाव, चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू और राजधानी है रांची। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसने 2019 में ब्रिक्स यंग इनोवेटर का पुरस्कार जीता, निशांत चतुर्वेदी, किशन राजू, रवि प्रकाश या रघुवर दास। तो रवि प्रकाश ये बिहार के निवासी है, जिन्होंने ब्राजील में 2019 में ब्रिक्स यंग इनोवेटर का पुरस्कार जीता है। अब एक बार जिन प्रश्नों को हम लोगों ने ऊपर सॉल्व करा उसको हम लोग रिवाइज करते हैं। किस सर्विस ने भारत की 2019 की विकास दर घटाकर 5.6% करी है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने। वशिष्ठ नारायण का 74 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में थे, तो वह गणितज्ञ थे। वोडा आइडिया को 50,921 करोड़ का रिकॉर्ड का घाटा हुआ जुलाई सितंबर में, एवं एयरटेल को कितने करोड़ का हुआ, 23,045 करोड़ का। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जयंती मनाई गई, 140वीं। पांचवां, निषाद कुमार पैरा एथलीट ने किस चैंपियनशिप में ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतकर टोक्यो पैरालंपिक कोटा हासिल कर लिया है, दुबई विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। अब निम्न में से किनके बीच, जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो अभ्यास चल रहा है उसका क्या नाम है, डस्ट लीग 2019। रविचंद्रन अश्विन स्पिनर घर में कितने विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं, 250 विकेट। फेसबुक ने 6 महीने में कितने फर्जी अकाउंट हटाए हैं, 320 करोड़। और 12वां ब्रिक्स योग सम्मेलन 2020 कहां होने वाला है, रूस में होने वाला है। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को। और किसने 2019 में ब्रिक्स यंग इनोवेटर का पुरस्कार जीता, रवि प्रकाश ने। अब जितने प्रश्नों को हम लोगों ने ऊपर रिवाइज करा उसको एक बार टेस्ट में देखते हैं कि आपको कितने प्रश्न याद हो गए उत्तर के साथ साथ। आउट ऑफ 11 आप कमेंट कर बताएं कि कितने प्रश्न आप सॉल्व कर पाए। किस सर्विस ने भारत की 2019 की विकास दर घटाकर 5.6% रखी है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने, वोडा इन्वेस्टर सर्विस ने, रिकॉर्ड इन्वेस्टर सर्विस ने या इन्वेस्टर सर्विस ने। दूसरा, वशिष्ठ नारायण का 74 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र में थे, गणितज्ञ थे, वैज्ञानिक थे, भौतिकविद थे या नेता थे। वोडा आइडिया को 50,921 करोड़ रुपए का, एयरटेल को कितने करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, 23,045 करोड़, 23,005 करोड़, 13,045 करोड़ या 53,045 करोड़। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू की कौन सी जयंती मनाई गई, 140वीं, 340वीं, 440वीं या 40वीं। पांचवा है, निषाद कुमार पैरा एथलीट ने किस चैंपियनशिप में ऊंची कूद में कांस्य पदक जीतकर टोक्यो पैरालंपिक कोटा हासिल कर लिया है, ए, दुबई विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, बी, कजाकिस्तान विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, अमेरिका विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप या भारत विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। किस भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन किस नाम का अभ्यास चल रहा है, डस्ट लीग 2019, चिरचिक 2019, टेररिज्म 2019, उज्बेकिस्तान 2019। सातवां है, रविंद्र अश्विन स्पिनर घर में कितने विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं,
250 विकेट, 240, 230 या 210। फेसबुक ने 6 महीने में कितने फर्जी अकाउंट हटाए हैं? 320 करोड़, 300 करोड़, 32 करोड़ या 30 करोड़। 12वां ब्रिक्स योग सम्मेलन 2020 किस देश में होगा? चीन में, रूस में, दक्षिण अफ्रीका में या भारत में। 10वां है, झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर या 16 नवंबर को। 11वां है, किसने 2019 में ब्रिक्स यंग इनोवेटर का पुरस्कार जीता? निशांत चतुर्वेदी, किशन राजू, रवि प्रकाश या रघुवर दास।